सुंदरनगर उपमंडल के तहत डेहर के क्षेत्र में एक नाबालिग से दुराचार का मामला सामने आया है। दुराचार का आरोपी एक ट्रक ड्राइवर है। पीड़ित नाबालिग के परिजनों के मुताबिक आरोपी 6 माह पहले इनकी लाडली बेटी की शादी का झांसा देकर भगा कर ले गया था और इन 6 माह में आरोपी ने दुराचार के साथ साथ नाबालिग के साथ कई अत्याचार किए। मामले की पुष्टि एएसपी मंडी पुनीत रघु ने की। उन्होंने बताया कि पुलिस आरोपी को ढूंढने का प्रयास कर रही है और शीघ्र ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा। सुंदरनगर उपमंडल के तहत डहर क्षेत्र में एक नाबालिग से दुराचार का मामला सामने आया है। दुराचार का आरोपी एक ट्रक ड्राइवर है। पीड़ित नाबालिग के परिजनों के मुताबिक आरोपी 6 माह पहले इनकी लाडली बेटी को शादी का झांसा देकर भगा ले गया था और इन 6 माह में आरोपी ने दुराचार के साथ साथ नाबालिग के साथ कई अत्याचार किए और जब पीड़ित परिवार को बेटी का सुराग मिला तो वे उसे अपने घर ले आए, जिससे खफा होकर आरोपी चालक ने पीड़ित परिवार के साथ घर में आकर दराट से हमला किया और मारपीट भी की। आरोपी ने नाबालिग के पिता व उसकी छोटी बहन को बुरी तरह से घायल कर दिया। घायल हुए पीड़ित नाबालिग के पिता अभी भी नेरचौक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में उपचाराधीन हैं। हालांकि डहर थाना में पीड़ित परिवार ने शिकायत दर्ज करवाई है, मगर अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसे लेकर पीड़ित परिवार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुनीत रघु से मिला और आरोपी को गिरफ्तार करने व उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। मामले की पुष्टि एएसपी मंडी पुनीत रघु ने की। उन्होंने बताया कि पुलिस आरोपी को ढूंढने का प्रयास कर रही है और शीघ्र ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा। देखिए, आज सुंदरनगर उपमंडल के तहत एक परिवार जो है वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय मंडी में आया था और जिन्होंने एक शिकायत पत्र जो है मेरे पास दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ माह पहले उनकी नाबालिग बेटी को एक व्यक्ति भगाकर ले गया था और शादी का झांसा देकर उसने अपने पास रखा और उसके साथ शादी भी की है, जिसके बारे में उन्होंने आज हमारे पास यहाँ पे शिकायत पत्र दिया है जो मैंने सुंदरनगर पुलिस स्टेशन के लिए भेजा है आगामी कार्रवाई हेतु। इसके अलावा इसी परिवार का आरोप ये भी है कि जो दूसरे पक्ष के व्यक्ति हैं उन्होंने इनके साथ मारपीट भी की थी 3 तारीख को, जिस संदर्भ में इन्होंने डहर चौकी में एप्लीकेशन दिया था और उसमें एक मुकदमा 170/19 ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जिसमें भी अन्वेषण कार्य चल रहा है और इन दोनों ही मामलों की जाँच जो है वो एसएचओ सुंदरनगर को सौंपी गई है, जिसमें जैसे भी कार्रवाई होगी वो नियमानुसार अमल में लाई जाएगी। मेरा नाम निर्मा देवी और मेरी बेटी को भगा के ले गया था और उसने मेरे अपराधी और उसने मेरे पति पर हमला किया और मेरी बेटी को भी ऐसा ऐसा सलूक किया और गंदी गंदी हरकतें कर रहा है और मेरी बेटी को भी धमकी दे रहा है और सारे परिवार को मारने की कोशिश कर रहा है। हमारे को यह है कि इसका इन आय चाहिए और उसको अंदर डालो, हमारे को डर है और हमारे बच्चे को भी और हमारे सारे परिवार को। मेरी पति तो बुरी हालत में है और हॉस्पिटल में है नेरचौक में, उसकी हालत बहुत ख़राब है और जो अंदर डलने हैं उसमें प्लेटें पड़नी है और आँख के नीचे वो जाली पड़नी है, उनकी हालत बहुत ख़राब है और पेट से भी काटा है और बाजू से भी। कहाँ, किस थाने में मामला दर्ज है? ये डेर में पक्त हो चला। छोटे से ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।